YouTube के लेटेस्ट वीडियोज, ब्रेकआउट स्टॉक्स और जो कुछ भी मैं यहां शेयर नहीं कर पा रहा हूं, साथ साथ स्टॉक मार्केट के लेटेस्ट न्यूज के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ आप टेलीग्राम पे स्टॉक बाजार ओरिजिनल सर्च करें और इस तरह का कुछ आइकन दिखेगा, उसे ज्वाइन कर लें। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक्स बाजार में। इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्लोबल मार्केट, जैसे डॉ जोन्स इंडेक्स क्या कर रहा है, हमारा इंडियन मार्केट निफ्टी 50 क्या कर रहा है, सेंसेक्स क्या रहा है, बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, निफ्टी जूनियर क्या कर रहा है, साथ ही साथ बिटकॉइन में अभी क्या हो रहा है, क्रूड ऑयल में क्या हो रहा है, गोल्ड में क्या हो रहा है, यूएस डॉलर वर्सेस आईएनआर का क्या हालचाल है, तो इन सारी चीजों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दें, कभी भी आपको लोन लेकर के इन्वेस्ट ना करना चाहिए, किसी से उधार लेकर के, कर्ज लेकर के इन्वेस्ट कभी नहीं करना चाहिए। इससे आपको आगे चल के बड़ी परेशानी उत्पन्न हो सकती है। अभी हम सबसे पहले हम ग्लोबल मार्केट को फॉलो करने के लिए, मतलब उसका हालचाल जानने के लिए हम जो है डॉ जोन्स को फॉलो करते हैं। आप किसे फॉलो करते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यहाँ पर देखिए, डॉ जोन्स अभी जो है साइडवेज ट्रेड कर रहा है, पूरी तरह से डॉ जोन्स साइडवेज है। और यहाँ पर जब तक इस सपोर्ट रीजन को ब्रेक नहीं करता है, ये सब रीजन है जो 33,700 से लेकर के 33,250, इस रीजन को ब्रेक करके जब तक डॉ जोन्स नीचे ट्रेड नहीं करने लगता है, तब तक हम यहाँ पर क्या है, साइडवेज है। साथ ही जैसे ये ऊपर के लेवल 35,500 को ब्रेक करता है तो हम यहाँ पर बुलिश हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो 35,500 से लेकर के 35,630 ये जो है रेसिस्टेंस रीजन है, तो इस रीजन को ब्रेक करके जैसे डॉ जोन्स ऊपर निकलता है तो हम इसमें बुलिश हो जाएंगे। तो अभी फिलहाल हम क्या है, साइडवेज है। और यहाँ पर देखिए, जून से ही डॉ जोन्स है साइडवेज देखा है, मतलब जो यूएसए मार्केट है, अगर यूएसए मार्केट में हम डॉ जोन्स को फॉलो करें तो मई से ही साइडवेज है यूएसए का मार्केट। तो ग्लोबल मार्केट का जो सिनेरियो है वो ज्यादातर यूएसए के जो इंडेक्स है, नैस्टेक हुआ, डॉ जोन्स, इस पर डिपेंड करता है। मतलब मार्केट यूएसए का कैसे कर रहा है उसके अनुसार ज्यादातर ग्लोबल मार्केट भी काम करता है। उसके बाद आते हैं हम निफ्टी 50 पर, जो हमारा इंडियन मार्केट है। इंडियन मार्केट में यहाँ पर हम बात करें तो जो निफ्टी हमारा, ये भी अभी फिलहाल साइडवेज है। तो जब तक हम यहाँ पर देखिए इसके नीचे नहीं आ जाते हैं तो 17,500 के नीचे एकदम क्लोजिंग होना चाहिए, तब जाकर के हम यहाँ पर जो है बेरिश होंगे। लेकिन अगर हम यहाँ पर जो ऊपर के लेवल को ब्रेक करते हैं, जिसके हम काफी करीब हैं, जो कि है 17,950, मतलब यहाँ से 17,950 से लेकर 18,000 के बीच रहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, तब तक हम साइडवेज ही रहेंगे। 18,000 ऊपर निकल जाते हैं तो फिर हम यहाँ पर जो है वो 19,000 की ओर बढ़ सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पर साइडवेज हैं, मतलब हमारा जो इंडियन मार्केट है वो साइडवेज चल रहा है। पिछले एक दो सप्ते से पूरी तरह से साइडवेज है। तो यहाँ पर हम इंतजार करेंगे किस तरफ के रेंज को मार्केट ब्रेक करता है। नीचे के रेंज को ब्रेक करेगा तो यहाँ पर जो पहला सपोर्ट है 17,500 और दूसरा जो यहाँ पर सपोर्ट है वो है 17,250। तो ये जो रीजन होगा 17,250 से लेकर के 500 तक का, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो इस लेवल को जब तक हम ब्रेक नहीं करते हैं तब तक हम यहाँ पर साइडवेज हैं। ऊपर के लेवल को ब्रेक करेंगे तो बुलिश हो जाएंगे और नीचे को ब्रेक करते हैं तो बेरिश होंगे। अब देखिए, मार्केट में कोई भी बड़ी गिरावट आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी होता है कि आप अच्छे स्टॉक्स को डिस्काउंटेड प्राइस पे बाय करें। अब बारी आती है बिटकॉइन का। देखिए, बिटकॉइन हम क्रिप्टो करेंसी अभी बुलिश है या बेरिश है उसको फॉलो करने के लिए हम बिटकॉइन को फॉलो करते हैं। तो जैसे बिटकॉइन बुलिश हो तो लगभग जो क्रिप्टो करेंसी होती है, जो अच्छे क्वाइंस हैं, वो लगभग आपको बुलिश देखने मिलेंगे। यहाँ पर देखिए, डबल बॉटम लगाने के बाद यहाँ पर जो लगातार देख सकते हैं, यहाँ पर ये रीजन बनाया था जो कि एक सपोर्ट रीजन था, जो बिटकॉइन क्रेश हुआ था। क्रेश होने के बाद ये लगातार यहाँ से 30,000 से 52,000 के एवं का हाई लगाया, वहां से फिर से इसमें गिरावट देखने मिला और वहां से जो गिरावट था फिर से ये 40,000 के नीचे लेकर के आया। 40,000 से फिर से ये बाउंस बैक करता है और यहाँ पर डबल बॉटम बनाता है। तो देखिए, डबल बॉटम ये कंफर्मेशन होता है कि हमें फिर से ये इसमें बुलिश मोमेंटम देखने मिलेगा। डबल बॉटम बनाने के बाद यहाँ से जबरदस्त इसमें बुलिशनेस देखने मिला है, लेकिन यहाँ पर जो रेसिस्टेंस है उसके आसपास पहुंच चुका है। तो यहाँ पर आपको बिटकॉइन को बाय करने में, इन्वेस्ट करने में अवॉइड करना चाहिए। या तो हम गिरावट में बाय करते हैं, जैसे इस गिरावट में भी मैंने वीडियो बनाया था, इस गिरावट में भी बनाया था कि आप यहाँ पर बिटकॉइन को बाय कर सकते हैं।
अभी अवॉइड करना चाहिए। या तो यहाँ पर जो रेसिस्टेंस है इसका 60,000 से लेकर 65,000 का इसके ऊपर निकलता है तो फिर हम इसमें जबरदस्त तेजी देखने मिलेगा। अभी आपको थोड़ा सा बिटकॉइन को अवॉइड करना चाहिए, अभी थोड़ा सा बिटकॉइन को अवॉइड कीजिए। जैसे अपने रेसिस्टेंस लेवल क्रॉस होता है तब बाय कीजिए, या फिर से कोई गिरावट आता है तो गिरावट में मिलता है तो आप इसमें बाइंग कर सकते हैं। उसके बाद आता है क्रूड ऑयल। देखिए क्रूड ऑयल भी काफी जबरदस्त बुलिश है, तो यहाँ पर हम जनरली जो है चार्ट को फॉलो करते हैं। मार्केट में क्या न्यूज है, क्या हो रहा है, इसको हम ज्यादा फॉलो नहीं करते हैं, तो यहाँ पर चार्ट को फॉलो कीजिए। चार्ट पर हर चीज दिख रहा है। यहाँ देखिए ये गिरावट में जो है $4,647 पे मिल रहा था, और वहां से ये बिटकॉइन जो क्रूड ऑयल का फ्यूचर है वो यहाँ पर हाई लगा चुका है लगभग 6,000 का। तो इसमें भी जबरदस्त तेजी देखने मिला है, तो इसमें भी कोई गिरावट आता है तो आप बाय करेंगे, अभी अवॉइड करें, अभी काफी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास है। और यहाँ पर अगर बात करें इसके रेसिस्टेंस का, तो ये अपने ऑल टाइम हाई पे ही है, तो अभी फिलहाल कोई ऊपर की ओर तरफ रेसिस्टेंस हमें देखने नहीं मिला। और इसका जो सपोर्ट रीजन अब होगा, पहला सपोर्ट होगा 5,600, इसका जो है सपोर्ट रीजन होगा। इसके नीचे आता तभी हम इसमें मतलब बेरिश होंगे, अभी तो ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रूप से बुलिश है, 6,000 के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो जबरदस्त तेजी देखने मिल सकता है क्रूड ऑयल में। उसके बाद अगला है गोल्ड। देखिए गोल्ड काफी जबरदस्त, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि ये ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस करता है तो ये इसमें एक ब्रेकआउट होगा, और ये ब्रेकआउट हो चुका है। ये ब्रेकआउट इसको 47,000, ये रुपीज में है, 47,000 से इसको लेके जा सकता है 49,500 तक। यहाँ से लगभग 2,500 तक का टारगेट यहाँ पर देखने मिल सकता है। तो यहाँ पर गिरावट में जब मिल रहा था, यहीं पर मैंने कहा था कि ये सपोर्ट रीजन है गोल्ड का, यहाँ पर आप बाय कीजिए, गोल्ड बीज बाय कीजिए ज़्यादा बेहतर होगा। तो अगर आपने बाय किया होगा तो आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल रहा होगा। यहाँ पर ब्रेकआउट हो चुका है, अगर ये ब्रेकआउट मतलब सक्सेसफुल हो जाता है तो फिर आपको जबरदस्त तेजी देखने मिलेगा। पहला इसमें 40,000 का टारगेट देखने मिलेगा, फिर 49,500 का टारगेट आपको देखने मिलेगा। उसके बाद आता है कि डॉलर जो है इंडियन रुपीज के वर्सेस क्या कर रहा है, मतलब इंडियन रुपीज के तुलना में डॉलर क्या हो रहा है। तो देखिए डॉलर जो है इंडियन रुपीज की तुलना में काफी स्ट्रांग हो रहा है, और अपने लगभग ऑल टाइम हाई जो है उसके करीब बढ़ रहा है। ऑल टाइम हाई की बात करें तो यहाँ पर जो डॉलर का ऑल टाइम हाई है ये काफी पहले बना था, मतलब यहाँ पर देखिए ऑल टाइम हाई 77 रुपीज से भी ऊपर का है, जो कि अप्रैल 2020 में बना था, जिस समय स्टॉक मार्केट क्रेश हुआ था उसके जस्ट बाद। यहाँ पर अगर ये ब्रेकआउट देता है, मतलब जो 76 रुपीज के ऊपर निकलता है, तो एक नया हाई आपको देखने मिलेगा कि जो डॉलर है एक नए हाई पे पहुंचेगा, मतलब हमारा रुपया काफी वीकनेस में आ जाएगा। यहाँ पर रुपया लगातार वीक हो रहा है, डॉलर लगातार स्ट्रॉन्ग हो रहा है रुपया के कंपैरिजन में, और जब यहाँ पर गिरावट आया था उसी समय बताया था कि आप चाहें तो अभी डॉलर को बाय कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर डॉलर अभी काफी महंगा हो चुका है। अब उसके बाद आता है सेंसेक्स। देखिए सेंसेक्स 60,000 के ऊपर फिर से पहुंच चुका है, 60,000 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। देखिए 60,000 के ऊपर क्लोजिंग तो इसमें हुआ था एक दिन के लिए, लेकिन उसके ऊपर सस्टेन नहीं हुआ था। इस बार ये सस्टेन किया है, तो क्या ये 60,000 के अबव जाएगा, क्या सेंसेक्स जो हमारा 70,000 की ओर जाएगा, तो ये देखना होगा। अगर यहाँ पर 60,000 के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो फिर एक जबरदस्त तेजी देखने मिलेगा, जो कि इसे 62,000 की ओर ले जाएगा। उसके बाद है निफ्टी नेक्स्ट 50। देखिए इसका जो सपोर्ट रीजन है 42,000 से लेकर के 42,200, ये रीजन जो है सपोर्ट रीजन है, और इसका रेसिस्टेंस रीजन जो है वह 43,700 के ऊपर अगर निफ्टी जूनियर मतलब निफ्टी नेक्स्ट 50 अगर सस्टेन कर जाता है तो हमें यहाँ पर जो है अगला जो टारगेट देखने मिलेगा वो होगा 45,000 का। यहाँ पर अभी जो है फिलहाल ये साइडवेज है, देख सकते हैं कि ये इस रेसिस्टेंस और सपोर्ट रीजन के बीच ये ट्रेड कर रहा है। जब तक रेसिस्टेंस रीजन को ब्रेक नहीं करता है, मतलब रेसिस्टेंस को ब्रेक नहीं करता, तब तक हम इसमें बुलिश नहीं हो सकते। सेंसेक्स में आपने देखा तेजी था, लेकिन निफ्टी नेक्स्ट 50 में काफी गिरावट देखने मिला। तो यहाँ पर निफ्टी और सेंसेक्स दोनों बुलिश था, जबकि निफ्टी जूनियर मतलब निफ्टी नेक्स्ट 50 जो है वो वीक था। तो ये जो हमारा बता रहा है कि जो ब्लू चिप कंपनियां है, जो टॉप की कंपनियां है 50 उसको छोड़ दे, और सभी कंपनियों में यहां ज्यादातर कंपनियों में वीकनेस देखने मिल रहा है। और उसके बाद आते हैं निफ्टी बैंक, जो कि काफी इंपॉर्टेंट इंडेक्स है। निफ्टी बैंक हो गया आपको, निफ्टी आईटी हो गया, उसके बाद निफ्टी फार्मा हो गया, ये सारे काफी इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी आईटी जब चलता है तो अकेले निफ्टी 50 को ये अपने डायरेक्शन में लेके जाता है। यहाँ पर देखिए निफ्टी बैंक ये भी अभी फिलहाल साइडवेज है, इसका जो सपोर्ट रीजन है वो है
36,885, तो ये इसका सपोर्ट रीजन है, इसके आसपास का रीजन। फिर इसका ऊपर का जो रीजन है रेसिस्टेंस रीजन वो है 38,380 जो है इसका रेसिस्टेंस रीजन है। तो अगर ये रेसिस्टेंस को क्रॉस करता है तो बैंक निफ्टी में हम बुलिश हो सकते हैं। फिलहाल ये जो एक ट्रेंड लाइन को भी सपोर्ट कर रहा है, मतलब ट्रेंड लाइन जो वो भी इस पे सपोर्ट का काम कर रहा है। देखिए ये ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन के आसपास जब भी आता है तो देख सकते हैं यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन जो ये भी सपोर्ट का काम कर रहा है। तो इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे और इस सपोर्ट को ब्रेक करे तब फिर हम इसमें बैंक निफ्टी में बेरिश हो सकते हैं। अगर बैंक निफ्टी बुलिश या बेरिश होता है तो ये अकेले मार्केट के डायरेक्शन को तय कर सकता है। तो जब ये स्ट्रांग रूप से बेरिश हो या बुलिश हो, जब तक साइडवेज है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई दूसरा इंडेक्स चलता है, मतलब कोई दूसरा सेक्टर चलता है, तो फिर वो निफ्टी को अपने डायरेक्शन में लेके जाएगा जब तक बैंक निफ्टी साइडवेज है। तो जैसे बैंक निफ्टी किसी डायरेक्शन में जाता है तो ये अकेले मार्केट के डायरेक्शन को तय कर देता है कि जो है मार्केट बुलिश होगा या बेरिश होगा। कभी कभी अपोजिट भी देखने मिला है निफ्टी और बैंक निफ्टी। उसके बाद अगला है यहाँ पर जो इंडेक्स है हमारा, वह आईपीओ इंडेक्स। देखिए आईपीओ इंडेक्स भी साइडवेज है, मतलब जो भी शेयर आईपीओ में आपको मिला है वो भी अभी साइडवेज है। उसके बाद कहते हैं पीएसयू बैंक। पीएसयू बैंक में काफी जबरदस्त इधर तेजी देखने मिला अगस्त के बाद, तो फिलहाल ये भी साइडवेज ही है। अभी बुलिश होने में इसको आप जो अपना रेसिस्टेंस लेवल है 2580 का 85 का उसको क्रॉस करना पड़ेगा, तभी भी हम पीएसयू बैंक में कुछ खास यहाँ पर बुलिश देखने नहीं मिला है। उसके बाद है कमोडिटीज। जो कमोडिटीज में जो भी स्टॉक्स हैं जो कमोडिटी ट्रेड करता है वो अभी फिलहाल देख सकते हैं वो भी साइडवेज है यहाँ पर पिछले 2-3 दिनों से। फिर उसके बाद पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, ये भी मतलब साइडवेज है पिछले 3 दिनों से। यहाँ पर जो है रियल्टी सेक्टर में तेजी देखने मिला था पिछले दिन, मतलब एक दिन पहले जो पिछले दिन का ट्रेडिंग था फ्राइडे का, उससे पहले तेजी देखने मिला, लेकिन जो लास्ट डे था उसमें गिरावट देखने मिला है। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी अभी साइडवेज ही है 2-3 दिनों से। फिर यहाँ पर मीडिया सेक्टर, इसमें तेजी है क्योंकि जो जी इंटरटेनमेंट है वो काफी स्ट्रांग रूप से बुलिश है, इसी कारण हमें मीडिया सेक्टर में थोड़ा तेजी देखने मिला है। उसके बाद एनर्जी सेक्टर, ये भी साइडवेज है। और मेटल सेक्टर, ये तो काफी ज्यादा साइडवेज है, देख सकते हैं ये लगातार यहाँ सपोर्ट और रेसिस्टेंस के बीच ट्रेड कर रहा है मेटल सेक्टर। अब बात करते हैं ऑटो सेक्टर। देखिए ऑटो सेक्टर जो मुख्य रूप से टाटा मोटर्स है उसमें काफी गजब की तेजी था, जिसके कारण इसमें भी तेजी देखने मिला। तो पिछले दिन भी तेजी था क्योंकि पिछले दिन के क्लोजिंग से ये ऊपर खुला था, तो अभी ऑटो सेक्टर में काफी जबरदस्त तेजी है। उसके बाद फाइनेंस सेक्टर, इसमें भी यहाँ पर देखिए साइडवेज मूवमेंटम देखने मिला, फाइनेंस सेक्टर भी साइडवेज है। उसके बाद आते हैं फार्मा। फार्मा तो पूरी तरह से साइडवेज है। उसके बाद सर्विस सेक्टर, ये भी साइडवेज है। उसके बाद आते हैं कंज्यूमर ड्यूरेबल। देखिए इसमें भी काफी जबरदस्त तेजी है क्योंकि डिक्सन टेक्नोलॉजी और भी कई सारे स्टॉक है जिसमें काफी गजब तेजी है। एफएमसीजी सेक्टर लगातार यहाँ पर देखिए एफएमसीजी सेक्टर में गिरावट देखने मिला है, तो एफएमसीजी सेक्टर पूरी तरह से बेयरिश है। उसके बाद कंजम्पशन सेक्टर, इसमें भी साइडवेज मूवमेंटम देखने मिला है क्योंकि अभी भी अपने रेसिस्टेंस को ये क्रॉस नहीं कर पाया है। फिर जो आईटी सेक्टर है, तो आईटी सेक्टर में अभी देखिए पिछले 2-3 दिनों से तेजी देखने मिला है, तो आईटी सेक्टर में हो सकता है कि यहाँ पर तेजी हो या हो सकता है ये भी साइडवेज मूवमेंटम करे। अगर अपने रेसिस्टेंस को क्रॉस नहीं कर पाता है तो फिर ये भी साइडवेज हो सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट इंडेक्स था। इंपॉर्टेंट इंडेक्स के अनुसार मैंने देखा ज्यादातर इंडेक्स अभी साइडवेज मूवमेंटम में है। साइडवेज मूवमेंटम होता है कि यहाँ पर मार्केट कंसोलिडेट होता है, तो यहाँ पर डॉ जॉन्स जो वो भी कंसोलिडेट हो रहा है, निफ्टी भी कंसोलिडेट हो रहा है। तो कंसोलिडेशन के बाद जब ये किसी और के रेंज को ब्रेक करता है, जैसे नीचे के सपोर्ट को ब्रेक करेगा तो हम बेरिश हो जाएंगे, तो यहाँ पर आप शॉर्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर अगर ऊपर ब्रेक करता है तो आप इसमें बुलिश होंगे, आप बाय कर सकते हैं। किसी भी स्टॉक को बाय कर लीजिए जो कि निफ्टी नेक्स्ट 50 में ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रखता है, जैसे रिलायंस हो गया और भी एचयूएल हो गया आपको, उसके बाद इंफोसिस हो गया, टीसीएस हो गया, इस तरह के स्टॉक्स को आप बाय कर सकते हैं जिस जो कि मार्केट के साथ चलता है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और इस तरह के एजुकेशनल और इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।